तो दोस्तों, अगर आप किसी रोम को काफ़ी लॉन्ग टाइम से यूज़ कर रहे हो तो आपने देखा होगा कि उसका रैम मैनेजमेंट परफॉर्मेंस थोड़ा डिक्रीज हो जाता है। तो उसी परफॉर्मेंस को कैसे बनाए रखना है, उसी टॉपिक को लेकर आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरी देखो, कभी भी स्किप मत करो, हो सकता है कि आप कोई ज़रूरी बातें मिस कर जाओ, ठीक है। तो पूरी वीडियो को पूरी देखना, और जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल पर नए आए हो, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक मार देना। तो चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी रोम को लॉन्ग टाइम तक, मतलब 2-3-4 महीने से यूज़ करते हो, तो आप देखे होगे कि उसका रैम मैनेजमेंट, उसका परफॉर्मेंस थोड़ा डिक्रीज हो जाता है, पहले जैसा नहीं मिलता। तो वैसा क्यों होता है वो मैं आप पहले बता देता हूँ, उसके बाद में बाद आपको क्या करना है वो बताऊँगा, ठीक है। तो दोस्तों, आपका रैम मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस डिक्रीज होने का रीज़न ये है कि समझ लीजिए आपने यूट्यूब को लोड किया है, तो यूट्यूब लोड होने के बाद उसको क्लोज़ कर दिया, उसके बाद आप फिर से जब उसको ओपन करते हो, वो तब वहीं से शुरू होता है, वो दोबारा लोड नहीं लेता, वहीं से शुरू हो जाता है। तो वो जो डेटा आपने डेटा पहले से लोड हुआ है बैठा है, वो जाके सेव होता है आपके डेल्विक पार्टीशन में। तो डेल्विक भी एक डेल्विक क्या है, देखो डेल्विक एक पार्टीशन है जहाँ पर आपका .apk टाइप की जितनी भी फाइल है आपके मतलब आपके डिवाइस में जितनी भी चीज़ें इंस्टॉल है, उन चीज़ों का जो भी लोड डेटा है वो वहाँ पर जाकर सेव होता है। जिसके और आपने जितनी भी ऐप आपके डिवाइस पर इंस्टॉल करे हो, उसका जो वो ऐप आपका डिवाइस में रैम ले लेता है, और यूज़ करते टाइम भी थोड़ा बहुत रैम लेता है। और उसकी वजह से आप जब भी कोई भी हैवी ऐप को यूज़ करते हो, जब मान लो पबजी समझ लो, तो उसे जितना रैम फ्री चाहिए वो रैम उसको नहीं मिलता, जिसकी वजह से उसको उसमें लैग होता है, ठीक है। तो उसे कैसे क्लीन करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको रिकवरी मोड में जाना है। तो रिकवरी मोड पे जाने के बाद आपको वाइप में जाना होगा, उसके बाद यहाँ पर आपको डेल्विक और कैच इन दोनों पार्टीशन को सेट करना होगा, उसके बाद इसको वाइप कर देना होगा। वाइप हो जाने के बाद आपको सिंपली रिबूट सिस्टम कर देना है। तो देखो, ये दोनों वाइप करने के बाद आपको बूट होने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लेगा, ठीक है, क्योंकि आपका जो भी लोड किया हुआ डेटा है वो चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका व्हाट्सअप का मैसेज वगैरह, फेसबुक आईडी लॉगिन है जो वो सब उड़ जाएगा, वो सब कुछ नहीं होगा, सिर्फ लोड हुआ डाटा चला जाएगा। जो और अब भी जब भी कोई ऐप यूज़ करने जाओगे वो फिर से लोड होगा, मतलब पहले से लोड होगा, और आपका थोड़ा इंटरनेट मतलब आपका मोबाइल डेटा जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका देखो यहाँ पर एक दिक्कत हो जाता है कभी कभी, अगर आपका बहुत टाइम से मतलब बहुत टाइम तक लोड होता ही रहता है, आपका बूट होता ही रहता है लेकिन डिवाइस ऑन नहीं होता, तब आपको क्या करना है, आपको फिर से रिकवरी मोड पे जाना है, मतलब पावर बटन और वॉल्यूम प्लस जैसे रिकवरी मोड में जाते हैं लोग, वैसे आप रिकवरी मोड पे चले जाना, उसके बाद वह बाहर से आप सीधा रिबूट सिस्टम कर देना, आपका डिवाइस ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हो मेरा डिवाइस ऑन हो चुका है एक बार में ही, और अभी मैं कॉर्डबस A10 यूज़ कर रहा हूँ। और ये तो हो गया आपका जो ऐप का लोड किया हुआ वो डाटा, अभी आपको करना है आपका ऐप का कैच क्लीन करना है। तो वो आपको कैसे क्लीन करना है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, ऐप कैच क्लीन करने के लिए आपको डिवाइस एनालाइजर को यूज़ करना है, आप देख सकते हो इस ऐप का को यूज़ करना है। आप देख सकते हो मेरा 269 MB का कैच जमा हो गया है, वो वहाँ पर आप क्लीन को क्लिक कर दो, आपका कैच क्लीन हो जाएगा। इससे सिर्फ आपका ऐप का कैच क्लीन होगा और कुछ भी नहीं। अगर आप जंक फाइल वाला क्लीन करना चाहते हो तो आपको कोई दूसरा एंटीवायरस वगैरह यूज़ करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप डेल्विक कैच और आपका ऐप कैच वगैरह क्लीन कर सकते हो, और आपका डिवाइस का परफॉर्मेंस पहले से कर सकते हो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।